हर्षोल्लास से मनाया गया गणेशोत्सव। गणेश चतुर्थी पर शुक्रवार को शहर में जगह जगह धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया गया। इस दौरान गणपति बप्पा मोरिया के उद्घोष से वातावरण गूंज उठा। रसूलपुर जिला स्थित बोधि आश्रम में आयोजित गणेशोत्सव में पान के पत्ते पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई। धूप रंग बिरंगे फूल बेलपत्र आदि से उनकी पूजा की गई। 56 भोग लगाए गए। भगवान गणेश को 108 हरे धूप की माला पहनाई गई। गुरु माँ डॉक्टर बोधि कश्यप ने बताया कि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन 21 हरे धूप से गणेश जी की पूजा करने से पूरे वर्ष किसी भी तरह का विघ्न नहीं आता, सभी रुके कार्य पूरे होते हैं। कुमारी कन्याओं को इस दिन हल्दी से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर धूप पान व लड्डू से उनकी पूजा करनी चाहिए, जिससे उनकी शादी में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। गुरु डॉक्टर प्रभात कश्यप ने कहा कि गणपति प्रथम पूज्य देव हैं, इनकी पूजा अत्यंत ही सरल है। बताया कि बोधि आश्रम में पिछले 24 वर्षों से धूमधाम से गणेश उत्सव का आयोजन होता आ रहा है। इसमें दूर दूर के लोग शामिल होते हैं। घंटा, चबर, शंख, चक्र और गदा से गणपति की पूजा की जाती है। शुक्रवार को संध्या 7 बजे से पूजा शुरू हुई, जो देर रात तक चलती रही। इसके साथ ही सृष्टि महापर्व पर हुए हवन यज्ञ की भी पूर्णा होती हुई। इस अवसर पर कई गणमान्य मौजूद रहे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निरविघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।